दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनीमोमीटर कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आप देखिए कि सबसे पहले आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है। आपको डिस्पोजल ग्लास लेने हैं और पंचिंग मशीन लेनी है, एक पेचकस लेना है, टेप लेनी है और आपको टू पिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें आपको ग्लास लेना है। ग्लास लेके इस जो पंचिंग मशीन है इससे लगा के आपको इसमें होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के आप ऐसे जो है इसमें होल कर सकते हैं। दोनों साइड में आप होल कर लेंगे इसमें, देखिए ऐसे आप दोनों साइड में होल कर लेंगे। और उसके बाद में आपको करना क्या है कि इसमें स्ट्रो जो लिया है स्ट्रो को आप इसमें लगाएंगे और इसमें लगाने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको ऐसे करके इसमें ऐसे लगाना है, और इसके बाद में आपको ये ऐसे स्ट्रोल लग गया। ऐसे आपको दोनों साइड में स्ट्रोल लगाने हैं दोस्तों, और लगा के इसमें आपको एक जो ग्लास है दूसरे ग्लास के अंदर भी आपको होल करना है। होल सबसे पीछे की साइड में करेंगे। पीछे की साइड में करने के लिए आपको ये पेचकस लेना पड़ेगा, उसे आप जो है इधर सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे लास्ट में करने के लिए आप इससे जो है पेचकस को लेके इसमें होल करेंगे, और ये होल हो गए इसके अंदर। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है स्ट्रो लगा देनी है। ऐसे ऐसे स्ट्रो लगा देनी है आपको, ये ऐसे स्ट्रो लगा देनी है आपको, और इस ऐसे आपको दो स्ट्रो इसमें लगानी है। ये ऐसे लग जाएंगी स्ट्रो। और आपको करना क्या है कि जैसे ये आपको सभी लगाने के बाद में आपका ये जो है मॉडल एक तैयार हो गया है। इसके अंदर ये चारों मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है कि एक ग्लास लेना है, उसके अंदर बॉटम में होल करना है। बॉटम में होल करके और आपको इसके अंदर से स्ट्रो डालना है। ऐसे स्ट्रो आप डालेंगे इसमें, ऐसे स्ट्रो डालेंगे, और स्ट्रो डाल के इस ग्लास को रेपर के अंदर पैक कर देना है। और पैक करने के बाद में जो है आपको ऐसा ही बन जाएगा। और इसमें करना क्या है कि आपको जो ये वाला जो आपने सैंपल बनाया उसके अंदर आप ये टू पिन लगा देंगे ताकि ये हिलेगा भी नहीं। और इसको फिर आप नीचे से जो है ऐसे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर नीचे ये टू पिन आ गई है, और इसमें आप लगा के ऐसे कर देंगे तो आपका ये जो है तैयार हो गया है एनीमोमीटर। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप फूंक मारने पे बिल्कुल चलेगा। और ये आपका एनीमोमीटर तैयार हो गया है।